तो पहले जो ईमान लाए उनके ताल्लुक से यहाँ पर फरमाया जो साबिक और अव्वलून है, यानी जो पहले ईमान लाने वाले, इसके ताल्लुक से एक और जगह फरमाया अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100 में फरमाया कि और जो सहाबा के तरीके पर हैं और इसके बाद इनके तरीके पर चले, इनकी पैरवी करे, तो अल्लाह फिर इन सब से राज़ी हुआ और ये सब अल्लाह से राज़ी हुए रज़ी अल्लाह अन्हु, कि जो इनके तरीके पर चलेगा तो अल्लाह फिर उनसे राज़ी हो जाएगा क्योंकि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ, तो जो इनके तरीके पर चलेगा तो फिर अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा और ये भी फिर अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे, यानी आखिरत में इनको नुकसान नहीं होगा, ये जाएंगे और इनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो ये भी अल्लाह से राज़ी रहेंगे। तो इनके तरीके पर होंगे तो क्यों इनके तरीके पर हमको चलना है, क्योंकि एक तो सहाबा जो थे, ये जो सलफ़ थे, ये जो हक वाला ग्रुप है जो अल्लाह के रसूल फरमाए कि एक ही हक पर रहेगा, और ये फिरके नाजिया वाला ग्रुप है, तो ये कामयाब फिरका है, तो इनके तरीके पर चलना है। वो सहाबा वो हैं जो अल्लाह ने जिनको चुना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि क्योंकि अल्लाह जब चुनता है, एक तो नबियों को चुनता है, रसूलों को चुनता है अल्लाह, और उसके बाद में उनकी मदद के लिए, उनके साथ में रखने के लिए, ताकि उनकी बातों को आगे वो पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक के बाद एक बार रसूल आते जाए, एक रसूल आते हैं उसके बाद में बहुत सारा एक वक्फा होता है, 100 साल का, 200 साल का, 500 साल का एक वक्फा होता है, तो उतने वक्त तक उनकी जो तालीमात है लोगों तक पहुंचाते रहें, तो उसके लिए अल्लाह ऐसे लोगों को चुनता है जो उनकी बातों को लोगों तक पहुँचाए। तो अल्लाह ने सहाबा को भी जो है अल्लाह ने ही चुना है, और इनकी लिए जो है इनकी मिसाल तौरात और इंजील में भी मिलती है, और ये अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 29 में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके साथ हैं, जो रुकू और सजदा कर रहे हैं अल्लाह के फजल और रजामंदी की जुस्तजू में, और उनके निशान उनके चेहरों पर हैं, इतनी सारी सिफातें बताई कि सहाबा की, और उनकी यही मिसाल तौरात में और इंजील में भी है। तो इनकी मिसाल सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कुरान के अंदर या हदीस में ही अल्लाह के रसूल ने दी, इनकी मिसाल तौरात और इंजील में भी है, ये अल्लाह ने खुद इसके अंदर जो है यहाँ पर किया है।